के प्यारे भक्तों, जय बाला म्यूजिक कंपनी की तरफ से जय ज्वाला माँ की, जगत जननी महामाया जगदम्बिका के भक्तों, इस घोर कलयुग में भगवती श्री ज्वाला माँ के समान उनके समदृश कोई देवी देवता प्रत्यक्ष नहीं है। माँ ज्वाला के दर्शन मात्र से ही मुंह मांगी मुरादें पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवती ज्वाला माँ के दर्शनों के लिए चलें। जय माँ ज्वाला। माँ ज्वाला के प्रिय भक्तों, माँ ज्वाला जी की नगरी ज्वालामुखी में आपका हार्दिक स्वागत है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों की गोद में बसा मां ज्वाला देवी को समर्पित ये मंदिर अपने आप में अद्भुत कार्यकारी का अनूठा नमूना है। मंदिर के अधिकांश गुंबद सोने से जड़ित हैं। भारत के समस्त तीर्थों में शक्तिपीठों की मान्यता सर्वाधिक है। ज्वालामुखी में भगवती देवी सती की जिभा गिरी थी। कुल 51 शक्तिपीठों में श्री ज्वालामुखी तीर्थ की मान्यता सर्वाधिक है। यह स्थान धूमा देवी का स्थान भी कहलाता है, क्योंकि यहां देवी के दर्शन निरंतर ज्योति के साक्षात रूप में होते हैं। इसी कारण इसे ज्वाला देवी के नाम से संबोधित किया गया है। पर्वत की चट्टान से विभिन्न 9 स्थानों पर जल रही ज्योतियां बिना किसी ढंग से परिचित होती हैं। तभी तो देवी को ज्वाला जी कहा जाता है और यह स्थान ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध है। शक्तिपीठ ज्वालामुखी देवी जी के प्राचीन और पावन मंदिर में श्रद्धा पूर्वक और पंक्तिबद्ध यात्री सर्वप्रथम माता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और ज्वाला जी के साक्षात दर्शन करते हैं। ज्वालामुखी जगत की माता महामाया है। ये ज्योति स्वरूप होकर इस तीर्थ पर विद्यमान है। आइए भक्तजनों, हम आपको इस शक्तिपीठ के इतिहास के बारे में बताते हैं। एक समय दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान पर एक बड़े महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन पूर्व द्वेष के कारण शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। ऋषि मुनि राजा और देवताओं को पिता के महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाता देख सती ने भी अपने पति भगवान शिव से यज्ञ में चलने का आग्रह किया, परंतु भगवान शिव ने बिना निमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं समझा। सती ने पुनः आग्रह किया कि पुत्री को पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं होता। शिव जी ने सती के बार बार आग्रह करने पर सती को वहां जाने की आज्ञा दे दी, परंतु स्वयं वहां नहीं गए। सती अपने पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित हो गई, लेकिन वहां उनका वैसा आदर नहीं हुआ जैसा कि अन्य अतिथियों का हो रहा था। यज्ञ में आने पर सती ने जब सब देवताओं के बैठने के लिए आसन लगे देखे, केवल भगवान शंकर के लिए कोई आसन नहीं देखा, तो उन्होंने पति का घोर अपमान समझा। राजा दक्ष ने अपने घर में यज्ञ अश्वमेध रचाया था, सब देवों को दिया निमंत्रण, शिव को ना ही बुलाया था।
पिता के घर में पहुंची गौरवती वरता थी, कहने लगी पति का सुन अपमान, पिता से आंखों से धारा बहने लगी। इसके बाद घटी क्या घटना, सच्ची बात बताता हूँ। माता सती अपने पति का भरी सभा में अपने पिता द्वारा ये अपमान सहन न कर सकी। पार्वती हुई सुन के व्याकुल, दुख से बुरा था हाल हुआ। आंखों में जल उठी थी ज्वाला, बदन क्रोध से लाल हुआ। कांपी धरती हिला, आसमां सृष्टि भी थर थर आई थी। बीच गोद के हवन कुंड में पटक छलांग लगाई थी। सती हो गई छाया मातम, दुख की बात बताता हूँ। आओ माँ के भक्तो, तुमको कथा सुनाता हूँ। यज्ञ में अग्नि में भस्म होते ही सती की देह के अलोप मात्र से भयभीत ज्वाला उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम आकाश की ओर जाने के पश्चात वह ज्वाला ज्योति पुंज तक पर्वत पर गिर पड़ी, और यही पर्वत ज्योति पुंज ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिसे माँ ज्वाला देवी के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्यामी ध्यान खुल गया, मगन थे शिव जी समाधि में। शक्ति बिना अधूरे शंकर, प्राण थे घोर आदि में। लेकर शूल क्रोध में भोले, हवन कुंड पे आए थे। आधे जले अंग सती के, कंधे पर उठाए थे। सती वियोग में सुध बुध भूले, क्या हुआ बतलाता हूँ। आओ माँ के भक्तो, तुमको कथा सुनाता हूँ। सती को कंधे उठाए भोले, ब्रह्मंड चक्र लगाने लगे। हालत देख कैलाश पति की, देवते भी घबराने लगे। विष्णु जी सुदर्शन चक्र चारों ओर जलाया था। सती के शव के करके टुकड़े धरती पर गिराया था। जहाँ जहाँ गिरे अंग सती के, वो स्थान बताता हूँ। आओ माँ के भक्तो, तुमको कथा सुनाता हूँ। आओ माँ के भक्तो, तुमको कथा सुनाता हूँ। शिव शक्ति तेरी सदा की जय, वैष्णो मैया तेरी सदा की जय, नैना देवी तेरी सदा की जय, कांगड़े वाली तेरी सदा की जय, मात चंडा तेरी सदा की जय, काली भद्र काली सदा की जय, मनसा देवी माँ तेरी सदा की जय, मात ज्वाला तेरी सदा की जय, माताओं की तेरी सदा की जय, चिंतपूर्णी तेरी सदा की जय। भगवान विष्णु ने सती के शरीर के 51 टुकड़े किए, और सती के शरीर के ये 51 टुकड़े विभिन्न स्थानों पर जा गिरे। जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वही शक्ति पीठ बन गए, और इन 51 स्थानों पर स्वयं भोलेनाथ भी किसी न किसी रूप में स्थापित हो गए। ज्वालामुखी प्रमुख शक्ति पीठ है। यहां पर भगवती सती की जिभा गिरी थी। माता के भक्तों के लिए चिंतपूर्णी, नैना देवी, ब्रजेश्वरी देवी, चामुंडा देवी एवं ज्वाला देवी आदि पौराणिक शक्ति पीठ है। यहाँ चैत्र नवरात्रों तथा श्रावण के महीनों में देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। आइए भगत जनों, मंदिर की मुख्य आरती में शामिल होते हैं। भोर भई दिन चढ़ गयो माँ, भोर भई दिन चढ़ गयो माँ, भोर ये जय जय कार मंदिर बिच आरती जय माँ, माँ ज्वाला तेरी आरती जय जय।
किने किने मैया तेरा पवन बनायो, किने तेरा चवर चुलायो मंदर विच आरती जय
मुकुट विराजे। काल की आरती के बाद शयन कक्ष में मां को जगाने के लिए प्रार्थना की जाती है। जागो मां, जागो मां जवाला, भोर बई अब तो जागो, जागो मां, अब तो जागो। ज्वाला मां, ज्वाला मां, ज्वाला मां, जागो मां, जागो मां, जागो मां, जागो मां जा।
रवाना। भोर बई अब तो जागो जागो मा अब तो जागो। ज्वाला मा ज्वाला मा ज्वाला जागो माँ जागो माँ जागो माँ जागो माँ जवाना। भोर बई अब तो जागो जागो माँ अब तो जागो। ज्वाला माँ ज्वाला माँ ज्वाला ज्वालामुखी मंदिर में 5 बार मां की आरती होती है। तुम्हारी माँ में शक्ति है तो उसे बोलो कि हमें कोई चमत्कार करके दिखाए। माँ के सच्चे भक्त माँ की शक्ति को नहीं अजमाते, ना ही उन्हें चमत्कार करने के लिए कहते हैं। जय माता की। या तो तुम्हें अपनी माँ की शक्ति पर भरोसा नहीं या अपनी बंदगी। तुम जिस घोड़े पर बैठकर जय जयकार करते आए हो, हम उस घोड़े का सर कलम कर देंगे तो फिर बोलना अपनी खुशी माँ को, उस घोड़े को जीवित करके दिखाए, इससे घोड़े का सर कलम कर दिया जाए। नहीं उस दाखी माफ, हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। बीरबल जबान से निकला हुआ तीर और जलालुद्दीन लखपत की जबान से निकले हुए लफाज कभी वापस नहीं आ सकते। तमील हो हमें महाराज ने हुक्म दिया है इस घोड़े का सर कलम कर दिया जाए। महाज्वाला आज तुम्हारे भक्त की भक्ति की परीक्षा है। माँ लाज रखो माँ,
दर्शन दो माँ, दर्शन दो माँ, दर्शन दो माँ, दर्शन दो माँ, दर्शन दो माँ। माँ, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है, इसलिए आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं माँ, कोई हक नहीं। जय माँ ज्वाला। जय माता, जय माता, जय माता। हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई, बोलो क्या इच्छा है? महा, तुम्हारे दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया, परंतु माँ, अकबर ने मेरे घोड़े का सिर काट दिया। उसने आपकी शक्ति अजमाने के लिए मुझे कहा, मेरी मदद करो माँ, मदद करो। हम आपके घोड़े को भी जीवित कर देते हैं। और हाँ, जिसने मेरी शक्ति आजमाने के लिए कहा है, उनसे कहना कि माँ आद शक्ति भवानी अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती है और मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जय माता की। घोड़े के जीवित होने की खबर जब अकबर को पता चली तो वह हैरान हो जाता है। उसके बाद अकबर ने माँ की शक्ति को अजमाने के लिए अनेकों प्रयास किए, किंतु हर बार उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में अकबर अपनी हार को स्वीकार करते हुए नंगे पांव मां के दरबार में सोने का छत्र चढ़ाने के लिए जाता है। परंतु अकबर के मन में अहंकार था, इसीलिए मां ने उसके सोने के छत्र को अस्वीकार करते हुए किसी और ही धातु में बदल दिया। भगत जनों, यह वही छत्र है जिसका आज तक पता नहीं चला कि यह कौन सी धातु का बना हुआ है। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, दिल मेरा बोले जय ज्वाला माँ। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, दिल मेरा बोले जय ज्वाला माँ। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, दिल मेरा बोले जय ज्वाला माँ। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, दिल मेरा बोले जय ज्वाला माँ। तेरे पावन ज्योति ने हो, तेरे पावन ज्योति ने संसार में किया उजाला माँ। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, दिल मेरा बोले जय ज्वाला माँ। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, दिल मेरा बोले जय ज्वाला माँ। ज्योत माँ की कितनी कमाल। छात्र वाले भवन से कुछ दूरी पर माता जी की रसोई है। यहाँ पर माता ज्वाला जी को लगने वाला भोग बनाया जाता है। गोरख टिब्बी, गोरख टिब्बी ये वो स्थान है जहाँ गुरु गोरखनाथ जी शक्ति की उपासना करने के लिए आए थे। जय गुरु मुशंदरा, जय गुरु गोरखनाथ, लोक नरंगा, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु मुशंदरा, जय गुरु गोरखनाथ। उपासना करने के बाद उनकी इच्छा भोजन करने की हुई तो उन्होंने दो बर्तन दाल और चावल बनाने के लिए रख दिए तथा माँ ज्वाला जी से प्रार्थना की कि हे माँ, जब तक मैं दाल चावल मांग कर लाता हूँ तब तक आप
इस पानी को उबालिए, जल गर्म होते ही हम उपस्थित हो जाएंगे। आज भी वही स्थिति है कि देखने में तो पानी उबलता हुआ दिखाई देता है, परंतु जल हाथ में लेकर देखने पर बिल्कुल ठंडा लगता है। स्थान पर धूप की जलती बत्ती दिखाने से मां ज्वाला प्रचंड रूप में प्रकट होती हैं। डिब्बी का जल और धुने की विभूति कई प्रकार की आंधी व्याधियों का नाश करने वाली है। अब कलयुग लग पड़ा है। कहते हैं कि जब सतयुग आएगा तब गुरु गोरखनाथ जी भी आएंगे और तब पानी गर्म होगा और फिर दाल चावल बनेंगे और खाने वालों की लंबी लाइनें लगेंगी। बोलो गुरु गोरखनाथ जी की जय। भक्तों, ये है गुरु गोरखनाथ जी का दूसरा पात्र। इसमें जल जल उबलता रहता खुलता रहता ज्वाला माई की योगमाई शक्ति से और गुरु गोरखनाथ जी की योगमाई शक्ति से ये ठंडा शीतल और पवित्र रहता है। इसको बोलते हैं गोरखटपी गोरखतौली। बोल गोरखनाथ जी महाराज की जय। भक्त, ये महामाई का मुंह के इसी मुख से ज्वाला शहर बसा हुआ। भक्त, इसमें जल है, जल में ज्योति है, ज्योति सुखी आपको ज्वाला माई दर्शन देगी, आशीर्वाद देगी, इसी मुख में प्रवेश हो जाएगी। सभी भगत ओम को जानेंगे, भक्त हाथ जोड़ के ज्योति आएगी, ज्योति दर्शन देगी, इसी मुख में प्रवेश हो जाएगी। बोल सत्य ज्योता वाली माता तेरी। गोरख डिब्बी के द्वार पर विराजमान शिवलिंग के सामने कटोज वंशी राजाओं के समय निर्मित राधा कृष्ण जी का प्राचीन मंदिर अत्यंत पावन स्थल है। यहाँ भगवान विष्णु जी, श्री गणेश जी, लक्ष्मी नारायण जी, श्री महाकाली जी, श्री दुर्गा भवानी जी और संतान सुख देने वाली अंबिका भी कुंड में दर्शन दे रही है। महालक्ष्मी ज्वाला ज्योति के दर्शनों से जीवन कृत कृत हो जाता है। जहाँ माँ की जोत को आज भी पानी पिलाते हैं और जोत जलती रहती है। जिस लोटे से पानी पिलाते हैं उसी लोटे में माँ की जोत प्रकट हो जाती है, जिसके भक्त जन दर्शन करते हैं। राधा कृष्ण जी के मंदिर से कुछ और ऊपर चलकर प्राचीन लाल शिवालय नाम से विख्यात भगवान शिव का मंदिर है। प्राचीन काल में नेपाल से शिवलिंग लाकर स्थापित किया गया था। मंदिर के चारों ओर 24 देवी देवताओं के अवतारों की मूर्तियां निर्मित हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। शिवजी के सहारे आओ मिलके बोले सारे। शिवजी के सहारे आओ मिलके बोले सारे। शिवजी के सहारे। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के उपरांत यहां से डेढ़ हाथ काला पत्थर की मूर्ति है। इसे ही सिद्धनाथ नाग अर्जुन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब गुरु गोरखनाथ जी खिचड़ी मांगने आए तो बहुत समय तक वापिस नहीं लौटे। तब उनके शिष्य सिद्धनाथ अर्जुन पहाड़ी पर चढ़कर देखने लगे। यहां से उन्हें गुरुजी तो दिखाई नहीं दिए, पर यह स्थल उन्हें इतना मनोरम लगा कि वो इसी स्थान पर समाधि लगाकर बैठ गए। अंबिकेश्वर महादेव, ये अंबिकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। भगवान शंकर अंबिकेश्वर महादेव जी का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है। ये मंदिर भगवती ज्वाला माँ श्री ज्वाला भगवती जी का पतिदेव का स्थान है, इसीलिए इस मंदिर का नाम अंबिकेश्वर महादेव पड़ा। अंबा बोलते भगवती को, ईश्वर बोलते भगवान शंकर को, इन दोनों को मिला के इस स्थान का नाम पड़ा है, इसलिए इसका नाम है अंबिकेश्वर महादेव। आदनारेश्वर के रूप में भी इसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है कि भगवती ने जब अपने शरीर का विध्वंस किया था, वो सती हुई थी,
तो उस समय भगवान शंकर ने भगवती को प्रदान दिया था भाई हे देवी जहाँ जहाँ तेरे ही अंग गिरे हैं वहाँ वहाँ जो है मैं भी अर्ध नारायण के रूप में स्थापित रहूंगा। उसी का ये एक अंग है इसलिए इसका नाम अर्ध नारेश्वर है। आधा भगवती का नाम है आधा ईश्वर का नाम है अंबिकेश्वर महादेव। ये मंदिर जो है भगवती महिषासुर मर्दिनी का स्थान है और ये रूप जो है भगवती का जिसमें भगवती ने राक्षसों का नाश किया था उस समय भगवती के लिए बड़ा था और महिषासुर एक राक्षस था उसको वध करते हुए भगवती ने ये बताया था इसलिए इसका नाम पड़ा महिषासुर मर्दिनी। ये जो मूर्ति है उनमत नाम भैरव करके ये प्रसिद्ध हुई है। ये भैरव इतने सिद्ध हुए हैं कि जो हमारे दादा गुरु थे उन्होंने इनकी तपस्या की है और इतने सिद्ध थे कि आपस में वो जैसे भाई बंधु खेलते थे वैसे ही आपस में खेलते थे और अपने तप बल से उन्होंने जो हमारे दादा गुरु जी थे जगन्नाथ मंदिर जी उन्होंने ये स्थान बनाया ये आश्रम बनाया परम सिद्ध उन्होंने अपने तपस्या से इनका ये नाक जो है आज आपको सामने नजर आए इसको डंडा मारा और उससे ये खंडित हुए थे और इतना उनका आपस में मतलब भक्त भगवान का प्रेम था तो उस समय से ये उन्मत्त नाम भैरव करके मूर्ति यहाँ स्थापित है। टेढ़ा मंदिर अंबिकेश्वर महादेव से मंदिर के लगभग 200 गज को कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद पांडवों द्वारा निर्मित इस प्राचीन मंदिर में श्री सीता रामचंद्र परिवार की अष्ट धातु की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। सन 1905 में भीषण भूचाल आने पर यह मंदिर बिल्कुल टेढ़ा हो गया था फिर भी देवी प्रताप से गिरा नहीं और अब भी 70 से 80 फीट का यह गुंबद एक और झुका हुआ है। इसी कारण ये टेढ़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह वही जगह है यहाँ से अकबर ने कच्ची नहर बनवाकर माँ की पवित्र ज्योतियों पर पानी डलवाया था। तारा रानी मंदिर मुख्य मंदिर की पूर्व दिशा की ओर नव निर्मित ये महारानी तारा देवी का पावन मंदिर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है और सुख समृद्धि देने वाला है। शत्रु नाश एवं सर्व मंगल करने वाला ये मंदिर एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर विराजमान है। इसी मंदिर के सामने नवग्रहों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। भैरव मंदिर ये प्राचीन मंदिर भी इन्हीं मनोरम पहाड़ियों में विद्यमान है। यहाँ दिन में 2 बार बाबा जी का पूजन किया जाता है। श्रद्धालु जन यहाँ मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर वे भैरव बाबा को मांस एवं मदिरा का भोग अर्पण करते हैं। गणेश मंदिर इस मंदिर में भक्तों को प्राचीन विशालकाय गणपति जी की मूर्ति के दर्शनों से जीवन का लाभ प्राप्त होता है। गद्दी वाला शिव मंदिर ये परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ जी का मंदिर है। मां नागिनी मंदिर पालमपुर रोड पर स्थित है। यहां पर भक्तों को भगवान शिव और माता नागिनी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव भैरव मंदिर ये स्वर्गीय गुरु राम धीरज ब्रह्मचारी जी की तप भूमि है जो कुत्ते वाले बाबा जी के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होने पर रोट प्रसाद का भोग लगता है। यहाँ पर भैरव अष्टमी को विशाल भंडारा लगता है। विश्व विख्यात होने के कारण वैसे तो देवभूमि हिमाचल में पहुंचने के लिए काफी पर्याप्त साधन है परंतु फिर भी तीर्थ यात्रियों को असुविधा ना हो इसलिए हम यात्रियों को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं। मां ज्वालामुखी के धाम में पहुंचने के लिए दिल्ली से जाने वाले यात्रियों को
हरियाणा और पंजाब की एकमात्र राजधानी चंडीगढ़ पहुंचना होता है। यात्रीगण, दिल्ली से चंडीगढ़ तक लगभग 250 किलोमीटर का सफर अपनी सुविधा अनुसार सड़क या रेलगाड़ी से तय कर सकते हैं। वैसे दोनों ही साधन सफर के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा भी उपलब्ध है। यात्रीगण इस अतिरिक्त सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। चंडीगढ़ अंतरराज्य प्रस्थान से मां ज्वाला के धाम के लिए पर्याप्त मात्रा में यातायात के साधन उपलब्ध हैं। यात्रीगण अपनी सुविधा अनुसार बस सेवाएं या अपने वाहनों से मां ज्वाला जी के धाम के लिए रवाना हो सकते हैं। यह है मां चंडी का मंदिर, चंडीगढ़ शहर मां चंडी के नाम से विश्व विख्यात है। चंडीगढ़ से लगभग 9 किलोमीटर दूर मनी माजरा के पास विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां मनसा देवी को समर्पित है, जो कि देश की 51 शक्तिपीठों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीर्थ यात्री चंडीगढ़ से रोपड़ होते हुए आनंदपुर साहिब पहुंचते हैं, जो कि सिख धर्म के लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हिंदू धर्म के लोगों के लिए हरिद्वार है। आनंदपुर साहिब का ऐतिहासिक गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित है। यात्रीगण गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के बाद अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं। आनंदपुर साहिब के ठीक पीछे ऊंची पहाड़ी पर एक और अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, मां नैना देवी। मां नैना देवी के भवन का मनमोहक दृश्य दूर से भी नजर आता है। आनंदपुर से यात्रीगण लगभग 1 घंटे का सफर तय करने के बाद पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार महतपुर में। यहां से ऊना की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। ऊना से आगे यात्रीगण पहुंचते हैं अंब नामक कस्बे में। अंब से आगे माता चिंतपूर्णी मार्ग को चुनते हुए पंजाब के सीमा पड़ते कस्बे मुबारकपुर चौक पहुंचते हैं। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर तथा पंजाब के अन्य रास्तों से आने वाले श्रद्धालुओं को भी गगरेट होते हुए मुबारकपुर चौक आना पड़ता है। मुबारकपुर चौक में यात्रीगण डेरा गोपीपुर का मार्ग चुनते हैं। चौक से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर एक और प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल पड़ता है, जो है छिन्नमस्तिका माता चिंतपूर्णी। श्रद्धालुगण इस महान शक्तिपीठ पर भी मां के दर्शनों के लिए रुकते हैं तथा दर्शन उपरांत अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं। चिंतपूर्णी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद श्रद्धालुगण देहरा गोपीपुर चौक पहुंचते हैं। यहां से एक मार्ग नगरकोट वाली मां ब्रजेश्वरी देवी कांगड़े वाली को जाता है तथा दूसरा मार्ग महामाई के पवित्र स्थल ज्वाला जी को जाता है, और यहां से मां ज्वाला जी का मंदिर लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। अत्यंत यात्रीगण अष्टभुजा मंदिर से गुजरते हुए पहुंचते हैं
माँ ज्वालामुखी के पवित्र धाम ज्वाला जी में। ज्वाला जी मुख्य बस अड्डे से माँ ज्वाला जी का प्रवेश द्वार बिल्कुल सामने दिखाई पड़ता है। इस द्वार के साथ साथ माता ज्वालामुखी के मंदिर के लिए दो अन्य द्वार भी बने हुए हैं। मुख्य मार्ग से आगे वाहनों का जाना वर्जित है। वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। ज्वालामुखी में यात्रियों के ठहरने के लिए अनेक सराएं, गेस्ट हाउस तथा होटल आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। मुख्य प्रवेश द्वार से आगे तीर्थ यात्रियों को यात्रा पैदल ही करनी पड़ती है। मुख्य प्रवेश द्वार से माँ ज्वाला जी के भवन की दूरी लगभग 500 मीटर है। इस मार्ग के दोनों तरफ प्रसाद तथा पूजन सामग्री से सजी हुई सुंदर सुंदर दुकानें हैं, जो भवन के मुख्य द्वार तक सजी हुई हैं। तीर्थ यात्री अपनी सुविधा तथा मनोती के आधार पर यहाँ से प्रसाद आदि लेकर माँ ज्वाला जी के दर्शनों के हेतु आगे बढ़ते हैं। इन दुकानों पर धार्मिक पुस्तकें, माँ के गुणगान की कैसेट्स, सीडीज व पूजा अर्चना का सामान समय उपलब्ध रहता है। ज्वालामुखी जगत की माता महामाया है। ये ज्योति स्वरूप होकर इस तीर्थ पर विद्यमान है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही गणपत गणेश जी के दर्शन होते हैं। माता के चरणों में शीश निभाकर उसके उपरांत कछुआ अवतार के दर्शन पाकर विशाल चांदी जड़ित मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। कालांतर से ही माँ ज्वाला के दरबार में ऐतिहासिक व्यक्तियों का आगमन रहा है। औरंगजेब ने भी माँ की शक्ति को जानकर वापस दिल्ली को लौट जाने का निश्चय किया था। ये भी ऐतिहासिक सच्चाई है कि एक बार महाराजा रंजीत सिंह के सेनापति सरदार हरि सिंह नलुआ काबुल कंधार में कैद हो गए। उनको छुड़ाने के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने माता ज्वालामुखी से प्रार्थना की और मनोकामना पूर्ण होने पर ज्वालामुखी के कलश और गुंबद पर सोन पत्र आदि चढ़वाया था। शया आरती, माँ के शया भवन में शया आरती की जाती है। माता की शया आरती में समर्पित होने के लिए भक्तों का सैलाब सा उबर पड़ता है। माँ ज्वाला देवी के ठीक सामने ये सुंदर सा भवन माँ का शया भवन है। यहाँ पर माँ भगवती श्री ज्वाला जी की अलौकिक स्वर्णमयी रतन जड़ित शैया है। इसके दर्शन मात्र से मन पवित्र एवं माँ के प्रति श्रद्धा से झुक जाता है। रात्रि 10 बजे आरती के उपरांत भगवती शयन के लिए वस्त्र एवं सामग्री, जलपात्र, दातुन आदि रखे जाते हैं। इस भवन में चारों ओर 10 महाविद्या, महाकाली, महालक्ष्मी व माँ सरस्वती की मूर्तियां हैं। इस भवन के गुंबद पर लगभग 40 से 50 किलोग्राम सोन पत्र चढ़ाया गया है। ज्वाला मां ओ
ज्वाला के बाद मुख्य मंदिर बंद कर दिया जाता है और इसी प्रकार प्रतिदिन माता के दर्शनों का क्रम चलता रहता है। तीनों लोकों में समान रूप से विद्यमान मां ज्वालामुखी की जो उपासना करता है उसके शत्रुओं का नाश होता है तथा उसे सौभाग्य आरोग्य और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय बाला म्यूजिक कंपनी के इस सामूहिक प्रयत्न में कोई भी गलती हो गई हो तो जय बाला म्यूजिक कंपनी के निर्माता अनिल कुमार चौहान माँ से क्षमा प्रार्थी हैं। माँ हम सबको आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे, सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करे, सुख समृद्धि प्रदान करे। भूलिए सच्चे दरबार की जय।